नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए मैं एक जगह कैमरा टिका कर आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसलिए वीडियो में कुछ इधर उधर हो तो आप लोग गलत मत मानिएगा, हमारे मैटर को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक हमारा ये जो है फ्रेम जिसपे हम मैटर खोल रखे हैं, जैसा कि आप लोगों को इसमें संभवतः दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इसमें मैटर खुला हुआ है। ये जो हमारा मैटर है यहाँ पे, ये है हमारे लिप का और ये है कवर का, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से किस तरह से सिल्वर की तरह ये चमक रहा है बिल्कुल। देखिए, अब इसमें कहीं कहीं पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे बारीक बारीक सा हमारे फ्रेम पे सोना कोट छूट जाता है, ठीक है। तो जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो अननेसेसरी उधर से जब लीक होगा तो वो क्या होगा कि वो कार्ड पे आ जाएगा, कार्ड पे आ जाएगा तो वो सही नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल फ्रेश आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, हम इसके लिए पहले ये जो सोना कोट है जिसको हम घोल के रखते हैं, इसी में से एक हम इस तरह का लकड़ी वगैरह ले लेंगे। देखिए, ये झाड़ू का तिली या कोई भी, बहुत से लोग एक छोटा सा ब्रश का भी यूज करते हैं, आप कोई सा भी तिल्ली वगैरह ले लेंगे और इसमें से थोड़ा सा आप लोग निकाल कर फ्रेम के कहीं पे भी लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसको बंद कर दीजिए। आप लोग सोना कोट के डब्बे को आप लोग धूप में नहीं ले जाना है, वैसे मैं धूप में कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी कैमरा जहां पे टिक पाया है उस सुविधा के अनुसार मैं कर रहा हूं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें से लगा लिए और फिर इसको हम कहीं कहीं पे इसमें जहां जहां पे हमें जाली दिख रहा है, यानी इस तरह का दिख रहा है, वहां वहां पे हम थोड़ा थोड़ा सा सोना कोट पतला सा लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। इसको लगाने से अगर आपका कहीं लेटर भी खराब हुआ होगा तो ये सही कर देगा। आप लोग धूप की तरफ कर लीजिएगा और फिर इसको आप लोग सही ढंग से लगा लेंगे, जहां कहीं भी अगर बूंदा बांदी हो आपके फ्रेम में जिससे आपको प्रॉब्लम आता हो तो उसके लिए ये इस तरह का प्रावधान है। आप इस तरह से लगा लेंगे, जो जीने जीने जो छोटे छोटे इसमें छेद हो जाते हैं कहीं कहीं पे किसी किसी वजह की वजह से, तो इस तरह से आप जितने भी उसमें, मान लीजिए कहीं कहीं पे सोना कोट भी छूट जाता है तो आप उसको भी सोना कोट से आप पूरी तरीके से भर लेंगे। अगर कहीं कहीं पे लेटर बिगड़ा हुआ है तो आप उसको, अगर आप इत्मीनान से काम करेंगे तो उस लेटर को भी आप आकार दे सकते हैं, अक्षर को भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कहीं पे नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग पहले मैटर सही ढंग से खोल लीजिएगा, मैटर बिल्कुल सिल्वर की तरह, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कैमरे की नजर से। देखिए, ये जो है हमारा कवर है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये हमारा लीप है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। और हाँ, एक बात और देखिएगा, जिस तरफ से हम, जैसा कि मान लीजिए कि इधर से हम स्टेपर खींचते हैं, इधर से जहां से ये निकला हुआ रहता है ऊपर की तरफ रहता है, इधर से हम स्टेपर खींचते हैं तो जो हमें सोना कोट जो भरना है, यानी जो छेदे में सोना कोट हमें भरना है, वो दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से भरना है, न कि इधर से नहीं भरना है आपको। इस बात का आप लोग बिल्कुल नेसेसरी ध्यान दीजिएगा कि इधर से आपको नहीं भरना है, उसके विपरीत दिशा से भरना है, इधर से जिधर से बिल्कुल प्लेन है इधर से आप भरेंगे तो ये सही रहेगा। अब ये ऐसा क्यों, देखिए ये ऐसा इसलिए कि जब आप स्टेपर चलाते हैं तो जो सोना कोट तो पहले से है, जो जिसपे मैटर खोला गया है वो तो नहीं छूटेगा, लेकिन जो हम बाद में उस छेदे को भरते हैं तो वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो स्टेपर जब चलेगा तो छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसके पिछले भाग में अगर रहेगा इस साइड में तो उसको छोड़ने की कोई चांस नहीं होती है। और प्रिंट करते वक्त अगर आपका मान लीजिए कि वहां पे सोना कोट छूट जाता है तो ये बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप वहां पे सोना कोट अगर लगाते हैं फिर आपको प्रिंटिंग बंद करना पड़ेगा तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्रेम के विपरीत दिशा से आपको जो है सोना कोट जो भी छेदा होगा उसको भरना है,
और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं पे भी इसमें छेदा या लीकेज ना हो, तब जाकर आप लोग प्रिंटिंग शुरू कीजिएगा। और सोना को थोड़ा थोड़ा भरने के बाद उसे पतला सा ही भरिएगा, नहीं तो अगर मोटा भरेंगे तो थोड़ा सही नहीं रहता है, सूखने में भी टाइम लगता है। फिर उसे थोड़े देर आप 10 मिनट धूप में रख देंगे और फिर प्रिंट पे आप चढ़ा देंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपका प्रिंटिंग शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी विषय को लेकर आज का हमने वीडियो बनाया था, क्योंकि कई बार लोग हमसे ये भी पूछे थे कि भाई फ्रेम में जो है छोटा छोटा छेद आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सही करेंगे। तो उसको हम इसी तरह से सही कर लेंगे। और मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि जब ट्रेस हम लोग निकालते हैं उसमें कहीं कहीं पे गलत भी हो जाता है, कहीं कहीं पे पुराने मीटर का ही मीटर रह जाता है, तो इस तरह से भी आप लोग वहां पे सोना कोट लगाकर बिल्कुल उसको डिलीट कर लेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कार्ड हमारा, मान लीजिए कि डेट 4 तारीख को शादी का है और 5 तारीख छप गया, 10 तारीख छप गया, तो अगर मान लीजिए कि तो उस डेट को ही आप बंद कर दें, ताकि छपने से अच्छा है कि उसको बंद कर देंगे। फ्रेम में कहीं भी कुछ भी बंद करना हो तो एक टेप द्वारा भी हम बंद करते हैं, और एक सोना कोट से जो हम बंद करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, टेप छोड़ भी देता है। तो अगर कहीं पे गलती भी हो जाता है तो आप उसे इस तरह से बंद कर देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि जो भी मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बताना था मैं ऑलरेडी आप लोगों को इसमें पूरी तरीके से बता चुका हूँ। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर उसमें आपके फ्रेम में मीटर खोलने के बाद कहीं कहीं पे छेदा दिखता है तो आप उसको उसी तरह से प्रिंट मत कीजिए, उस पर एक लकड़ी लेकर और सोना कोट वहाँ वहाँ पे थोड़े बूंदे बूंदे टाइप का आप लगा दीजिए, और उसके बाद से आप प्रिंट करना उसको सुखा दीजिएगा, पहले लगाने के बाद सुखा दीजिएगा, नहीं तो नहीं सुखाएंगे तो फिर वो छूट जाएगा। 10 मिनट सुखाने के बाद धूप में फिर आप उसे प्रिंट पे चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और धूप भी अच्छा खासा हो रहा है, टाइट धूप हो रहा है, हम छत पे ही ये वीडियो बना रहे हैं, एक जगह कम कैमरे को टिका कर, तो इसलिए कुछ मौसम की गर्मी भी हो रही है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।